हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट्स। ये वीडियो एवरेज पार्ट 3 है, तो पार्ट 1 को ज़रूर देखना, 2 फिर 3। तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ, ताकि आपका एवरेज में कोई सा भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। और कंप्लीट पीडीएफ को ज़रूर एनरोल कर लेना, ओनली 399 रुपीज़, जिसमें कंप्लीट पीडीएफ में जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करेंट अफेयर्स मिलेंगे स्पेशली फॉर टिस नेट के लिए, ठीक है। और प्लस यूट्यूब वीडियो देखते चलते रहना। पीडीएफ लेने के लिए studysideeffect@gmail.com में मेल कर सकते हो। तो ये पार्ट 3 टाइप क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को समझ के पढ़ना, क्योंकि एवरेज वही होता है, नंबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतना जान के रख लिए तो सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 30 पेन्स एंड 75 पेंसिल ऑल टुगेदर वी आर परचेस्ड फॉर 510। 30 पेन और 75 पेंसिल को खरीदा गया है कितने रुपीस में? 510। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ द पेंसिल वाज टू, जो एवरेज प्राइस ऑफ द पेंसिल है वो 2 रुपीज है, तो व्हाट वाज द एवरेज प्राइस ऑफ द पेन। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं है, लेकिन आप इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, 30 पेन को खरीदा गया, 75 पेंसिल को खरीदा गया, टोटल कितने रुपीज़ में? 510 रुपीज़ में। और एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल क्या है? पेंसिल का प्राइस है एवरेज तो 2 है, और एवरेज प्राइस ऑफ पेन हमको बताना है। तो जब हम जानते हैं कि टोटल प्राइस हमारा 510 है और एवरेज प्राइस ऑफ पेंसिल क्या है 2 रुपीज़ है, और टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितना है 75, तो 75 × 2 कर देंगे तो टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ है पेंसिल पे ये तो हमें मालूम चल जाएगा। तो 5 × 2 = 10, ठीक है, और 1 carry 7 = 150, तो टोटल 510 रुपीज़ में हमें 150 केवल पेंसिल पे खर्च हुई है, तो रिमेनिंग किस पे खर्च हुई होगी? 30 पेन पे, ठीक है। तो 150 माइनस कर दो, क्यों माइनस कर रहा हूँ मैं 510 में से 150, क्योंकि ये अमाउंट पेंसिल का है, टोटल अमाउंट पेंसिल का है टोटल से, ठीक है। तो इसे माइनस करेंगे 0, इसको माइनस करेंगे 6, और इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 3। तो जो अमाउंट टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है पेन में, 30 पेन में, वो हुआ है आपका 360 रुपीज़। और टोटल सम में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ पेन को डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्राइस पेन निकल के आ जाएगा। तो 360 रिमेनिंग में कितने पेन थे हमारे पास? 30 पेन थे, डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गई, 1 2, तो 12 रुपीज़ एवरेज प्राइस ऑफ पेन, एवरेज प्राइस ऑफ पेन, APP, एवरेज प्राइस ऑफ पेन 12 रुपीज़ आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज इक्वल टू 12 रुपीज़, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट जानना था आपको कि कभी भी दो प्रोडक्ट का मिक्स में अमाउंट दे दिया गया हो, तो एक एक प्रोडक्ट का आपको एवरेज दिया गया हो, तो दूसरे प्रोडक्ट का एवरेज कैसे निकालेंगे, बस यही था प्रोसेस जानना। तो 12 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर का एवरेज दिया गया है 77। हमें ये मालूम नहीं है कि नंबर क्या है, लेकिन क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 77। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड। जो पहला नंबर है, मान लेते नंबर हमें मालूम नहीं है, एक्स मानकर चलता हूँ, ठीक है, एक्स ले लेता हूँ, एक्स, ठीक है। अब द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड, ठीक है। अब यहां पे देखो, तीन नंबर है, पहला है, क्या बोल रहा है कि थर्ड नंबर जो है, जो सेकेंड नंबर होगा वो थर्ड नंबर का ट्वाइस होगा। तो हम मान लेते हैं कि थर्ड नंबर हमारा, जो थर्ड नंबर है वो एक्स है, ठीक है, एक्स लिख दिया हूं। और सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर क्या है, ट्वाइस ऑफ द थर्ड, ट्वाइस ऑफ द थर्ड, तो ट्वाइस क्या होगा,
2x हो जाएगा, जो सेकेंड नंबर है ट्वाइस ऑफ द थर्ड। देख लो सेकेंड नंबर, अब इजली मैं बताऊँ तो ये सब क्वेश्चन को पीछे से देखा जाता है कि पहला नंबर क्या बोला जा रहा है, तो थर्ड नंबर इज ट्वाइस, ठीक है, सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड, ये देखो लिखा गया है। तो एक्स है तो एक्स का ट्वाइस 2x होगा, और 2x का ट्वाइस क्या होगा 4x। कॉन्सेप्ट समझ में आए? देखो क्या क्या बोला गया, जो थर्ड सेकेंड नंबर है वो ट्वाइस द थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर जो है ये इसको मान लेते हैं सेकेंड नंबर, वो ट्वाइस ऑफ द थर्ड नंबर, इसका ट्वाइस है ना, ये एक्स है तो ये ट्वाइस हुआ 2x, और जो सेकेंड नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर का ट्वाइस है। तो फर्स्ट नंबर देख लो, फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, तो फर्स्ट नंबर इसको फर्स्ट नंबर बना मान लिए तो ये ट्वाइस ऑफ सेकेंड, तो इसके ट्वाइस है ना, इसके ट्वाइस है कि नहीं है, 2x है तो ये 4x है, ट्वाइस हो गया, ठीक है। और इस नंबर को एवरेज हमें मिला है, क्या मिला है 77, इस नंबर का एवरेज मुझे 77 मिला है। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे थर्ड लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3 है, ठीक है, नीचे 3 लिख जाएंगे, फिर बीच में क्या आएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि सम भी करना होता हमें। अब बस क्वेश्चन बन गया कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है फर्स्ट नंबर क्या है। तो जब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो चाहे आप पहला नंबर पूछो, सेकंड नंबर पूछो या थर्ड नंबर पूछो, कोई सा भी नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, चलो करते हैं, इधर से ये जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये सम हो जाएगा, तो ये सम करके देखते हैं क्या होता है, 4, 6, 7, 7x इजकल टू 77 इंटू 3, ठीक है, 77 इंटू 3। अब ये क्या हो जाएगा, x इजकल टू 77 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे 7, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, नीचे की ओर जाएगा 7 तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 से ये गया कटा ये 11 बार में, और 11 इंटू 3 इजकल टू 33। तो x की वैल्यू हमें निकाल दिए 33। अब हमें कौन सा नंबर के बारे में बताना, फर्स्ट नंबर यानी कि 4x नंबर, 4x नंबर के बारे में हमें पूछा गया तो वही हमें बताना है। तो ये हो जाएगा इंटू 4, क्योंकि x का वैल्यू है 33 और इंटू 4 करना पड़ेगा तभी हमारा फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12, और 4 3 12 और 1 कैरी 132, आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी टाइप का क्वेश्चन था एक एवरेज का। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ईजी है। देर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास, 50 स्टूडेंट है क्लास में, वन ऑफ देट वेइंग वेट जो है उनका 50 kg गोज अवे एंड न्यू स्टूडेंट जॉय बाय द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय द हाफ के जी द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज। तो यहाँ पे बोला गया देर इज 50 स्टूडेंट है क्लासरूम में, वन स्टूडेंट जो है 50 kg का हो जाता है और न्यू स्टूडेंट जो आता है, ठीक है, और जो क्लास का एवरेज वेट है वो हाफ के जी इंक्रीज हो जाता है। तो न्यू स्टूडेंट का वेट क्या होगा, तो न्यू पहले तो एवरेज वेट क्या था 50 था, तो 50 मान लेंगे क्योंकि 50 स्टूडेंट ही है, एक जा रहा है तो एक आ रहा है, और जो नया स्टूडेंट आने के चलते हाफ के जी एवरेज में इंक्रीज हुआ, तो 50 का हाफ के जी क्या होता है 25, तो 25 इंक्रीज हुआ तो नया स्टूडेंट का वेट क्या हो जाएगा, जो एवरेज पहले ही दिया गया था प्लस 25 इजकल टू 75, आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। कितने का इंक्रीज हुआ हाफ के जी का, तो 50 का हाफ के जी होता 25, और 25 को जब इंक्रीज किए तो नए स्टूडेंट का वेट मुझे मालूम चल गया 75। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी एक नए टाइप का क्वेश्चन है. ए बॉय फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 35. एक बॉय फाउंड किया एवरेज जो है 20 नंबर का एवरेज है वो 35 है. व्हेन ही राइट ए नंबर 61 इंस्टीड ऑफ 16. तो मिस्टेकली या गलती बोलो उनका 61 गलती से लिख दिया 16 के जगह. 61 गलती से लिखा है 16 के जगह. तो करेक्ट एवरेज ऑफ 20 नंबर क्या होगा? ठीक है, करेक्ट नंबर ऑफ 20 नंबर का एवरेज क्या होगा? सबसे पहले तो टोटल निकाल देता हूँ. टोटल क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे टोटल क्या दिया गया है? सबसे पहले टोटल यही दिया गया है ना हमारा कि 20 नंबर का एवरेज है 35. तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर हो जाएगा मेरा 0 यहाँ पे और ये 70. तो ये 700 टोटल नंबर दिया गया है. जो जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ मैं बताता हूँ आपको. पहले तो 20 नंबर का एवरेज 35 दिया गया है, ठीक है. तो हम 700 निकाल लिए. अब इस 700 में ये बॉय ने क्या गलती देखा है, क्या किया है वो बता देता हूँ. इसने क्या किया गलती कि 61 को मिस्टेकली लिख दिया गया है, -61 कर देंगे. जो भी रॉन्ग है उसको माइनस कर देंगे 61, और जो भी सही करना है उसे प्लस कर देंगे 16. बस ये रूल याद रखना. कभी भी पूछे आपसे कि ये रॉन्गली ये एंटर कर दिया था इसके बजाय इंस्टीड ऑफ, या ये था और ये लिखना था तो ये लिख दिया, तो जो गलत वाला है वो टोटल एवरेज में से माइनस हो जाएगा. ये माइनस कर दिए 61 को, और जो ओरिजिनल है वो प्लस हो जाएगा. और नीचे क्या रहेगा? वही जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20 नंबर, वही रहेगा. अब नया एवरेज निकल के आ जाएगा आपका. तो क्या होगा, इसे सम करेंगे तो ये हो जाएगा 655/20, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 32.75 आंसर आ जाएगा. 655 को डिवाइड किया 20 से तो आपका आंसर निकल के आ गया 32.75 आंसर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, रॉन्ग वाले टोटल एवरेज में से रॉन्ग वाले को माइनस करना है और जो करेक्ट वाले को प्लस करना है, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख देना है, बस आंसर आ जाएगा. और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का. अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, पार्ट 2 देखा होगा, तो ये ज़रूर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, और ये खासकर ये सब क्वेश्चन अभी के एग्जामिनेशन में देखा जा रहा है. ये क्रिकेट वाला, इनिंग्स वाला क्वेश्चन, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन, ये सब खासकर एवरेज के क्वेश्चन में आ रहे हैं. तो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा. तो क्या है, एवरेज रन ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर ऑफ 20 इनिंग्स वाज 32. तो 20 इनिंग्स का एवरेज निकाला है 32. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारा टोटल रन निकल के आ जाएगा. इतना तो आपको पता ही चल गया होगा. ठीक है, क्या है कि 20 इनिंग्स का जो एवरेज आया है 32 आया है. और हाउ मेनी रन मस्ट बी मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो दैट इंक्रीज हिज एवरेज रन बाई 4. अब बोला जा रहा है, ठीक से समझो, ये मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया था पार्ट 1 2 में. 1 में तो ज़रूर समझाया था, याद है मुझे, कि नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है. हाउ मैनी रन मस्ट ही मेक इन हीज नेक्स्ट इनिंग्स सो एज टू इंक्रीज हीज एवरेज रन बाई 4. तो अब नेक्स्ट इनिंग्स 20 इनिंग्स हो गया, तो नेक्स्ट इनिंग्स क्या होगा, 21 इनिंग्स होगा. ठीक है, और कितना रन ज़्यादा करना होगा कि उसका एवरेज 4 रन इंक्रीज हो जाएगा. तो अगले वाले 21 इनिंग्स में एवरेज को 4 रन बढ़ा दो, तो 32 इनिंग्स, 20 इनिंग्स का एवरेज था 32, तो 21 इनिंग्स का था तो 36. समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या मैं किया यहाँ पे? 20 इनिंग्स का एवरेज दिया गया है 32. अब बोला गया है कि वो अपने नेक्स्ट इनिंग्स में कितना रन करेगा जिसके वजह से एवरेज उसका 4 रन इंक्रीज हो जाएगा. तो ये 4 इंक्रीज कर दिया हमने, 32 से 36 कर दिए, और ये 20 इनिंग्स था तो ये 21 इनिंग्स कर दिया. अब दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा उतना ही रन उसको करना था जिसके वजह से 4 नंबर इंक्रीज हुआ. बस यही था क्वेश्चन, इतने में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हमने.
तो 20 × 32 किए तो 640 आया, और नेक्स्ट इनिंग्स में 21 × 36 किए इक्वल टू 756 आया। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही रन करना था जिसके वजह से 4 एवरेज हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 756 का और 640 का, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। 116 रन नेक्स्ट इनिंग्स में बनाया है जिसके वजह से 4 एवरेज इंक्रीज हुआ है। तो वो ऑप्शन नंबर 1 इज़ ए करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग, दो लाइनों में ये सब क्वेश्चन बन रहा है बस। ये सब बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही है इजी ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना। एवरेज रन निकाल दिए और बोला गया नेक्स्ट इनिंग्स में कितना रन बनाएगा जिसके वजह से 4 एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट इनिंग्स के एवरेज में इंक्रीज कर देंगे, और 20 इनिंग्स था तो नेक्स्ट इनिंग 21 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किए, दोनों का डिफरेंस निकाले, 116 आ गया, वही आपका एवरेज जो रन बनाना था जिसके वजह से 4 रन इंक्रीज हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे एवरेज के, वो भी ज़रूर देखना और PDF को एनरोल कर लेना। थैंक यू।